गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं द सेकेंड चैप्टर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, दैट इज पाइथन ऑपरेटर्स एंड कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, पिछले तीन लेक्चर में हमने फर्स्ट यूनिट देखा था, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड यूनिट। तो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे डिफरेंट ऑपरेटर्स ऑफ पाइथन एंड कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। आपको पता है ऑपरेटर्स और कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि पाइथन में कौन से ऑपरेटर्स हम यूज़ कर सकते हैं। सो देखो, द ऑपरेटर्स आर कंस्ट्रक्ट विच कैन मैनिपुलेट द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, क्या करते हैं वो, जो ऑपरेंड की वैल्यूज होती है, पता है ना आपको ऑपरेंड क्या होते हैं, तो उनकी वैल्यूज़ को क्या करता है वो, मैनिपुलेट मतलब उन वैल्यूज़ पे डिफरेंट ऑपरेशंस जो हम परफॉर्म करते हैं तो वो किसके यूज़ से करते हैं, दैट इज़ ऑपरेटर्स। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं ऑपरेटर। देखो अपन नीचे एग्जांपल दिया है, एक्सप्रेशन है एक 4 + 5 = 9। ठीक है, अब देखो 4 और 5 दीज आर दी ऑपरेंड्स इस एक्सप्रेशन में, जो 4, 5 और 9 जो है ना उनको हम कहते हैं ऑपरेंड। ठीक है, और जो प्लस है मतलब एडिशन जो हो रही, जो सिंबल हमने यूज़ किया है प्लस एंड इक्वल्स टू, तो इनको हम कहते हैं ऑपरेटर। ठीक है, सो दीज आर दी ऑपरेटर्स। तो अभी आपको पता होगा कि ऑपरेटर और ऑपरेंड के बीच में क्या डिफरेंस है। अब देखो, तो देखो ऑपरेंड्स क्या होते हैं कि जिनके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उनको हम कहते हैं ऑपरेंड्स। ठीक है, और जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं उनको हम कहेंगे ऑपरेटर। ठीक है, अब देखो देर आर 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन पाइथन प्रोग्रामिंग। सो सबसे पहला वाला है, दैट इज़ अरिथमेटिक ऑपरेटर। ओके, उसके बाद है कंपैरिजन ऑपरेटर, उसको या फिर रिलेशनल ऑपरेटर भी हम कहेंगे। फिर है असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर। ओके, सो ये सारे ऑपरेटर्स हैं जिनको हम एक एक करके देखने वाले हैं। ओके, अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से हैं पाइथन में। सो हम एक ये जो ऑपरेटर्स हैं हम एक एग्जांपल के यूज़ से देखेंगे। तो हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स लिए हैं ए एंड बी। ठीक है, जिनकी वैल्यूज़ है 10 और 20। ठीक है, टू वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी, और ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 20। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑपरेटर जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का, सबसे पहला ऑपरेटर है दैट इज़ एडिशन, दैट इज़ प्लस या फिर एडिशन। ठीक है, सो सिंबल है प्लस, ये क्या करता है प्लस या फिर एडिशन ऑपरेटर, इट एड्स द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड। ठीक है, या क्या ये क्या करता है, टू ऑपरेंड्स की वैल्यू को ऐड करता है। ठीक है, सो एग्जांपल में हमने ए और बी टू ऑपरेंड्स लिए थे जिनके वैल्यूज़ है 10 और 20। सो अगर हमने यहाँ पे ए प्लस बी किया तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 30। ठीक है, सो दिस ऑपरेटर इज़ यूज टू ऐड द वैल्यूज ऑफ ऑपरेंड। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। सो ये भी आपको पता है सब्ट्रैक्शन क्या करता है, माइनस द वैल्यू बिटवीन टू ऑपरेंड। ठीक है, सो 10 - 20 दैट इज़ -10। ठीक है, फिर है मल्टीप्लीकेशन, थर्ड है मल्टीप्लीकेशन। तो ये क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है बोथ दी ऑपरेंड्स की वैल्यू को। सो 10 × 20 दैट इज़ 200। नेक्स्ट है डिवीजन, फिर ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। सो बी डिवाइड बाय ए हमने किया तो 20 / 10 दैट इज़ 2। फिर है मॉडुलस, सो ये मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, इट डिवाइड्स द लेफ्ट हैंड ऑपरेंड बाय राइट हैंड ऑपरेंड। ठीक है, ये जो है लेफ्ट हैंड मतलब बी को ए से डिवाइड करता है एंड क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर। ये रिटर्न क्या करता है, रिमाइंडर। डिवीजन अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो डिवीजन में सिंपली वो जो डिवाइडेड वैल्यू होती है उसको रिटर्न करता है। ठीक है, यहाँ पे 20 / 10 किया तो हमने 2 आया। ठीक है, बट मॉडुलस क्या करता है, रिमाइंडर वैल्यू जो आती है ना उसको रिटर्न करता है। सो अगर हमने 20 modulus 10 किया, सो 10 हमने अगर 2 बार यूज़ किया तो 10 × 20। ठीक है, सो 20 - 20 क्या हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। सो इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, तो मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर वैल्यू को रिटर्न करता है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट एक्सपोनेंट। सो एक्सपोनेंट क्या करता है, इट परफॉर्म
एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशन ऑन ऑपरेटर्स, ठीक है। सो ये क्या करता है, एक्सपोनेंशियल, दैट इज अगर हमने किया ए एक्सपोनेंट ऑफ बी, ए एक्सपोनेंट ऑफ बी मतलब दो स्टार जो हमने यूज़ किए हैं एक्सपोनेंट के लिए, एक्सपोनेंट ऑपरेटर के लिए हमने टू स्टार यूज़ किए, ठीक है। सो ए टू स्टार बी मतलब ए एक्सपोनेंट बी इक्वल्स टू 10, मतलब क्या होता है इसका, ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 20, सो 10 to the power 20, ठीक है। सो एक्सपोनेंट का मीनिंग है 10 to the power 20, मतलब पावर, एक्सपोनेंट मतलब पावर, ठीक है। सो उसके बाद है फ्लोर डिवीजन, नेक्स्ट ऑपरेटर है दैट इज फ्लोर डिवीजन। सो ये क्या करता है, द डिवीजन ऑफ ऑपरेंड्स वेयर द रिजल्ट इज द कोशेंट इन विच द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर रिमूव, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद का जो डिजिट है उसको रिमूव, बट इफ वन ऑफ द ऑपरेंट इज निगेटिव द रिजल्ट इज फ्लोर्ड, ठीक है, दैट इज राउंडेड अवे फ्रॉम जीरो, मतलब उसको राउंड वैल्यू कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 9 / 2 किया तो आंसर इज 4, फ्लोर डिवीजन किया तो क्या आता है पॉइंट में, ये देखो ये सेकेंड वाला, सॉरी तो यहाँ पे देखो 9.0 / हमने फ्लोर डिवीजन किया 2.0, तो आंसर क्या आता है पॉइंट में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल में हमने क्या किया, -11 फ्लोर डिवीजन 3, तो रिजल्ट है -4, ओके। इस तरह से वो क्या होता है फ्लोर डिवीजन वर्क करता है, ओके। फिर नेक्स्ट है पाइथन कंपैरिजन ऑपरेटर्स, तो अभी देखेंगे पाइथन कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन से हैं। तो दीज ऑपरेटर्स कंपेयर द वैल्यूज ऑन आइदर साइड ऑफ देम एंड डिसाइड द रिलेशन अमॉन्ग देम, ठीक है, मतलब दो साइड की वैल्यूज़ को वो कंपेयर करता है, उन दोनों के बीच का रिलेशन डिसाइड करता है, ठीक है। उनको कहते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर। तो यहाँ पे भी हमने टू वेरिएबल्स लिए हैं ए एंड बी और उनकी वैल्यूज लिया है 10 and 20, ठीक है। सो देखते हैं अभी इन इस एग्जांपल का यूज़ करके हम रिलेशनल ऑपरेटर देखेंगे। तो सबसे पहला ऑपरेटर है दैट इज इक्वल्स टू, ठीक है। ये क्या करता है, इफ़ द वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल, मतलब ए एंड बी की वैल्यू अगर इक्वल है तो वो क्या करता है ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है, अगर नहीं है तो फॉल्स। फिर है नॉट इक्वल्स टू, अगर इन दोनों की वैल्यू नॉट इक्वल है मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है तो क्या करेगा ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। नेक्स्ट है इफ वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड आर नॉट इक्वल देन कंडीशन बिकम्स ट्रू, ये भी नॉट इक्वल की तरह ही यूज़ करेंगे इस ऑपरेटर को, दोनों की वैल्यू अगर नॉट इक्वल है तो क्या करेगा रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। फिर है ग्रेटर दैन, इफ़ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड मतलब ए की वैल्यू ग्रे से बी से ग्रेटर है तो वो क्या करेगा ट्रू, अदरवाइज नॉट ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ए की वैल्यू 10 ली थी और बी की 20, सो 10 इज नॉट ग्रेटर देन बी, सो इट गिव्स रिजल्ट एज नॉट ट्रू, ठीक है। फिर है लेस देन, अगर लेस देन है वैल्यू लेफ्ट ऑपरेंड की राइट ऑपरेंड से तो इट रिटर्न्स ट्रू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी है तो ये क्या करेगा ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज नॉट ट्रू। तो यहाँ पे ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 20, सो 10 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 है क्या, नो, सो इट रिटर्न्स नॉट ट्रू। एंड लास्ट वन इज लेस देन इक्वल्स टू, सो लेस देन इक्वल्स टू क्या करेगा लेफ्ट ऑपरेंड मतलब ए की वैल्यू लेस देन या फिर इक्वल्स टू है क्या बी की वैल्यू के साथ, तो हाँ लेस देन है, इक्वल नहीं है बट लेस देन है क्योंकि ए की वैल्यू 10 है बी की वैल्यू 20 है, सो इट रिटर्न्स ट्रू, ठीक है। सो इन दिस वे दीज आर दी टू टाइप्स ऑफ ऑपरेंड्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग, रिमेनिंग ऑपरेंड्स के टाइप हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।